ये ताजमहल जो कि सातों अजूबों में से पहले नंबर पे आता है। और ये देखो कितना सुंदर झरना बना रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं वेस्ट वंडर। मैं दिखाता हूँ अंदर आपको, है ना, कैसे है ना इन्होंने वेस्ट आइटम को यूज़ करके, जैसे साइकिल की रिम वगैरह, चैन, नट बोल्ट वगैरह और अदर वेस्ट आइटम को यूज़ करके कितने सुंदर, है ना, सेवन वंडर्स बनाए हैं। इसकी लोकेशन की बात करी जाए तो ये पड़ता है गंगा विहार सराय कालेघाट न्यू दिल्ली, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे खुल जाता है और रात की 11 बजे तक खुलता है। जो इसके जो टिकट प्राइस है 50 रुपये है एडल्ट्स के लिए, और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए है 25 रुपये, और जो बच्चे 3 साल से छोटे और पर्सन 65 ईयर्स है वो उनके लिए फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो हमने ये टिकट ले लिया है, चलो फिर चलते हैं अंदर। ये देखो ये एंट्री गेट है वेस्ट टू वंडर, ये जो है ना दिल्ली MCD द्वारा बनाया हुआ है। हम आ गए अंदर। तो अब हम आ गए हैं पहले वाले वंडर पे, जो कि है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यह मिस्र के गीजा में स्थित है। इसकी हाइट जो इन्होंने बना रखी है वो 18 फीट की है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट है 455.4 फीट। इसे बनाने में टोटल 12 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें लोहे की एंगल वगैरह यूज़ की गई थी। चलते हैं आगे, यहाँ आपके बैठने वगैरह का भी बना रखा है यहाँ। तो अब हम आ गए हैं दूसरे वाले वंडर पे, जो कि है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा का झुका हुआ मीनार। यह इटली के पीसा में स्थित है। इसकी हाइट जो इन्होंने बना रखी है वो 39 फीट है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट है 183.3 फीट। यह विशाल मीनार एक तरफ से झुकी हुई है। इसे बनाने में टोटल 10.5 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें मेटल शीट, पाइप वगैरह आदि यूज़ हुए थे। जितने वंडर्स हैं ना, इनका नाइट व्यू बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप आओ ना, या 6-7 बजे के करीब आओ, क्योंकि 11 बजे तक तो खुला ही रहता है और नाइट व्यू देखने का मज़ा है यहाँ का। दिखाता हूँ आपको तीसरा वंडर। तो ये है तीसरे वाला वंडर, एफिल टावर। यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी हाइट जो बना रखी है इन्होंने 60 फीट की है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट है 1063 फीट। इसे बनाने में 40 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें ऑटोमोबाइल स्क्रैप, एंगल, क्लच प्लेट वगैरह आदि यूज़ की गई थी। चलो चलते हैं अगले पे। तो अब हम आ गए हैं चौथे वाले वंडर पे, जो कि है कोलोजियम। यह इटली के रोम में स्थित है। इसकी हाइट 15 फीट है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट 615 फीट है और चौड़ाई 156 फीट है। इस अजूबे की यह खासियत है कि इसमें एक टाइम में 65,000 लोग समा सकते हैं। इसे बनाने में 11 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोल्स, कार, व्हील्स, बेंचेस वगैरह आदि यूज़ की गई थी। तो अब हम आ गए हैं पांचवे वाले वंडर पे, जो कि है ताजमहल। इसे तो हम सब जानते हैं, ये हमारे देश का अजूबा है, जो कि आगरा में स्थित है। इसकी हाइट 20 फीट की है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट 240 फीट है और चौड़ाई 365 फीट की है। यह सातों अजूबों में से नंबर एक पर है। इसे बनाने में टोटल 30 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक पोल, पाइप, पार्क बेंचेस आदि यूज़ किए गए थे। तो अब हम आ गए हैं छठे वाले वंडर पे, जो कि है रियो रिडीमर। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। इसकी हाइट 25 फीट की है और ओरिजिनल हाइट इसकी 124 फीट है और चौड़ाई 92 फीट है। इसे बनाने में टोटल 15 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें कि मोटर बाइक चेन, इंजन पार्ट, बेंचेज, इलेक्ट्रिक पोल आदि यूज़ किए गए थे। तो अब हम आ गए हैं सातवें वाले वंडर पे, जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यह USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसकी हाइट 30 फीट की है, जबकि इसकी ओरिजिनल हाइट 305 फीट की है। इसे बनाने में लगभग 8 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया था, जिसमें कि मेटल सीट, एंगल, पाइप आदि यूज़ किए गए थे। हम आ गए हैं आगे। इन्होंने देखो पेड़ पे कितनी सुंदर लाइट लगा रखी है। इन्होंने बैठने का भी सिस्टम कर रखा है, आप रेस्ट कर सकते हो बैठ के यहाँ। ये देखो सुंदर लग रहा है पेड़। और ये देखो कितना सुंदर झरना बना रखा है। यहाँ लोगों ने ना पैसे गिर के मन्नतें मांग रखी है।
ये देखना कितना सुंदर एलिफेंट लग रहा है। चाहो तो यहाँ खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो साउथ किचन, ये हेलो यम, ये कैफे ग्रिल हाउस वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ। ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट भी है काफ़ी। तो गाइज वेस्ट वंडर में घूम के पूरा मज़ा आ गया है, बहुत बढ़िया जगह है, नाइट व्यू तो और ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप आओ नाइट में ही आओ, या 7-8 बजे आओ, 11 बजे तक तो खुलते ही आराम से। 50 रुपये टिकट प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और बहुत अच्छी जगह है। स्क्रैप यूज़ करके इतनी सुंदर सुंदर वंडर्स बना रखे यार, मज़ा आ गया पूरे देख के। इसके अंदर है ना टोटल 150 टन ऑफ स्क्रैप यूज़ किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं यार जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।